हेलो दोस्तों, कुक विद पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये डोसे का कलर कितना बढ़िया गोल्डन आया है, जिसे कि मैंने नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है। ये डोसा एकदम क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। अंदर से एकदम मॉइस्ट और बढ़िया है और बाहर से एकदम ये क्रिस्पी है। इसको बनाने में दोस्तों काफ़ी सारी छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जिससे कि आपका डोसा लाइफ में कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो दोस्तों, अगर हम इस डोसे को हाथ में लेके देखिए, मैंने क्रश करा है, तो इसकी क्रिस्पीनेस का आपको पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया क्रिस्पी बना था। एकदम हाथ में ये एकदम हो गया है चूर चूर सा। तो चलिए, ऐसे बढ़िया रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 3 कप चावल लेंगे। तो डोसा वाले चावल बहुत ही इजीली बाज़ार में मिलते हैं, तो मैंने 3 कप यहाँ डोसे वाले चावल ले लिए हैं। तो उसके साथ साथ ही दोस्तों उसी कप से हम दाल का भी माप करेंगे। 3 कप हमने चावल लिए हैं, तो 1 कप हम उसी वाले बाउल से या उसी वाले कप से हम 1 कप उड़द की दाल लेंगे। उड़द की दाल बहुत ही इजीली मिलती है। और 1 चम्मच हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से दोस्तों 4-5 पानी में पहले वॉश कर लेंगे। तो देखिए, इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और ये अच्छे से वॉश हो गए हैं। तो सबसे पहला काम है इनको सोक करना। तो मैंने इनको गुनगुने पानी में भिगोने के लिए रखा है। अभी 4 घंटे हम इसको भिगो करके रखेंगे। तो लगभग 4 घंटे बाद दोस्तों दाल और चावल बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, एकदम से अच्छे से फूले हैं। अगर आप चाहें तो ठंडे पानी में भी आप इनको सोक कर सकते हैं। मुझे तो ज़रा इनको जल्दी बनाना था, तो मैंने इनको गर्म पानी में सोक किया था। तो ऑलरेडी हमने इनको वॉश करके रखा हुआ था, तो इसीलिए हम इसी पानी में से इनको निकाल के इनका 2 भागों में मैं इसका फाइन पेस्ट तैयार करूँगी। पानी हम बहुत ही कम डालेंगे, कम से कम पानी का प्रयोग करते हुए हम गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। तो आधे दाल और चावल का देखिए मैंने एकदम महीन सा पेस्ट मिक्सर में बना लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा पतला ना करें इसको। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैटर को बाउल में निकाल लिया है। अभी हम बाकी हिस्से, जो हमारे चावल और दाल बचे हैं, उनका भी हमें बैटर बनाना है। तो उससे पहले हम एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे कि बहुत ही बढ़िया हमारा डोसा बनेगा। तो ये बैटर हमने आधा बना लिया, इसको साइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोहे 1 कप मैंने मेजरिंग कप से पोहों को जो है अभी 5 मिनट ही थोड़ा सा पानी डाल करके वॉश करके सोक किया था। 5 मिनट में ही ये सोक हो चुके हैं और बाकी बैटर के साथ मैंने अब इनका पेस्ट बना लिया है। पोहे और दाल और चावल जो बचे थे, इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार करके मैंने बना लिया है और बाकी बैटर में मिक्स कर लिया है। अच्छा, चलिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और अब हमारा काम है इनको जो है फर्मेंट करने का। तो फर्मेंट करने में एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें इनको ऐसी बर्तन में फर्मेंट करना है, या तो वो बिल्कुल भी एयर टाइट कंटेनर आप ले लें, लिड वाला, ढक्कन वाला। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से आप क्लिंग रैप लगाएं, जिससे कि बैटर बहुत बढ़िया फर्मेंट होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि इसमें हवा ना जाए। तो क्लिंग रैप लगा करके हम इनको 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट में इनको फर्मेंट करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो लगभग दोस्तों मैंने 8 घंटे अपने बैटर को जो है गर्म जगह पर रखा था फर्मेंटेशन के लिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये फर्मेंट हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। तो इसको अभी हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ना चलाएं क्योंकि इसमें अच्छी से हवा इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो अभी हमें इसको ज़्यादा ओवर मिक्स ना करते हुए जितना बैटर हमें चाहिए हम छोटे बाउल में निकाल लेंगे, जितना हमें अभी यूज़ करना है, और बाकी बैटर को हम फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से हम 3 दिन तक इसको फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं रख के। तो अभी हमारा ये बैटर दोस्तों काफ़ी गाढ़ा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें बैटर को पतला ज़्यादा नहीं रखना,
ज़रूरत के हिसाब से। मैंने यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें पानी डाला है और इसको अभी हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग आप बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का गाढ़ा सा बैटर हमारा होना चाहिए डोसा बनाने के लिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसको चलिए, हमें थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार है, तो अभी डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप एक बार तवे को अच्छे से गर्म कर लें और बिल्कुल बैटर डालने से पहले आप पानी डालकर एक बार जो डोसा तवा है उसका टेम्परेचर आप कम कर लें। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है और सेंटर में हम अपना जो डोसे का बैटर है वो डालेंगे और हल्के हाथ से इसको हम इस तरह से घुमाएंगे। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हमें नॉनस्टिक तवे पर अगर अपना डोसा बनाना है तो हम ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ऑयल लगाएंगे डोसा तवा के ऊपर तो हमारा जो बैटर है वो तवे के साथ नहीं चिपकेगा। अगर नहीं चिपकेगा तो इसका कलर भी गोल्डन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्पैचुला का इस्तेमाल किया है अपने डोसे के बैटर को इवन करने के लिए। तो इस तरह से आप स्पैचुला की मदद से स्पैचुला का थोड़ा पानी या फिर ऑयल लगा करके सारी तरफ से बैटर को इवनली स्प्रेड कर ले, फैला ले और चिपका दे तवे के ऊपर। जहाँ से हमें लगेगा कि हमारा बैटर जो है वो अच्छे से नहीं फैला, स्पैचुला पर आप थोड़ा सा बैटर लें और सारी तरफ उस बैटर को आप फिर से लगा दें। इस तरह से जो डोसे की शेप है एकदम से बढ़िया राउंड आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्पैचुला लें और सारी तरफ बैटर को फैला लें। तो लीजिए सारा जो बैटर है बहुत बढ़िया तरीके से मैंने फैला लिया है। तो अभी हमें इसको 1 से 2 मिनट तक हल्का सा इसको हमें बैटर को जो है सूखने देना है और फिर हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने नीचे जो है तेल का इस्तेमाल नहीं करा तो इसलिए डोसे के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे ताकि जो हमारा डोसा है वो ज़्यादा मॉइस्ट भी बने, क्रिस्पी भी बने, यानी कि सूखा सूखा ना बने। तो इसलिए 1 से 2 चम्मच आप तेल, अगर आप अमूल बटर या कोई अच्छा सा बटर भी डालेंगे तो उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैंने ऑयल डाल करके ब्रश से सारी तरफ जो है तेल को अच्छे से लगा दिया है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 2 से 3 मिनट एकदम लो फ्लेम पर हमें डोसे को डाल के भूल जाना है, यानी कि इसको अच्छे से धीरे धीरे धीमी आँच पर हमें इसे पकने देना है। तो आप देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद जो है नीचे कलर आना शुरू हो जाएगा डोसे का। तो देखिए जैसे इसके बेस पर कलर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप कोई स्पैचुला ले लें या फिर कोई करछी ले लें, इस तरह से आगे से जो तीखी या पैनी हो, तो जिससे कि हम डोसा को स्क्रैप कर पाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से डोसा एकदम से निकल आया है नॉनस्टिक तवा के ऊपर से, और कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, एकदम गोल्डन, बढ़िया गोल्डन सा हमारे डोसे का कलर आया है। तो ये हमने फ़िलहाल एकदम प्लेन डोसा बनाया है जो कि एकदम बढ़िया क्रिस्पी हमारा तैयार है। तो इसी तरह से अब मैं दोस्तों आपको मसाला डोसा की भी एक रेसिपी दूंगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो ये हमारा प्लेन डोसा जो है एकदम तैयार है, एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए इसको साइड पे करते हैं और एक बनाते हैं मसाला डोसा। तो दोबारा से मैंने तवा ले लिया है, उसको एक बार ज़रूर आप जब भी नेक्स्ट डोसा बनाएं तवे को एक बार पानी डालकर अच्छे से ज़रूर क्लीन करें, उसके ऊपर पुराने डोसे के जो वो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल भी ना लगे हों। और पानी डालकर टेम्परेचर मैंने डाउन किया, फ्लेम को एकदम सिम किया और उसी तरह से हम बैटर को दोबारा से पूरे तवे के ऊपर फैला कर एकदम चिपका देंगे। थोड़ा सा बैटर गाढ़ा है तो बढ़िया तरीके से चिपकेगा। स्पैचुला से फिर हम इसको क्या करेंगे, एकदम इवनली स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा जैसे ही डोसे का बैटर सूखा मैंने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया, सारी तरफ ऑयल को डाल दिया और 1 से 1.5 मिनट हुआ है दोस्तों, इसका कलर हल्का हल्का नीचे से गोल्डन आना शुरू हुआ है। तो अभी हमने क्या किया, जो हमने फिलिंग बना के रखी थी आलू की मसाले की, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। दोस्तों ये फिलिंग कैसे बननी है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पर दी हुई है, लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आपको दे दूंगी, आप इसको आई बटन प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले को मैंने बढ़िया तरीके से डोसे के ऊपर फैला दिया है। तो अभी भी हम इसको 0.5 से 1 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको और क्रिस्प होने देंगे। और एक टिप और,
आप चाहें तो इस तरह से करछी को आगे से थोड़ा पानी लगा कर डोसे को आप स्क्रैप करें तो बहुत बढ़िया तरीके से जो डोसा है वो आगे से निकल जाएगा। तो चलिए, डोसा बहुत बढ़िया हमारा गोल्डन हुआ है, क्रिस्प हुआ है, इसको फोल्ड कर लिया है मैंने। देखिए अभी हम इसको चलिए प्लेट पर निकालेंगे। तो देखा आपने कितना बढ़िया कलर आ गया है हमारे मसाले डोसे का। दोस्तों मैंने आज आपके साथ एकदम बढ़िया क्रिस्पी डोसे की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली टिप्स और ट्रिक्स और इसके सीक्रेट्स शेयर करे हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, एकदम बढ़िया क्रिस्पी आपका डोसा ज़रूर बनेगा। और ये देखिए मैंने एक और डोसा तैयार करा है, एकदम क्रिस्पी, एकदम बाज़ार स्टाइल। उम्मीद है रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।